हाय फ्रेंड्स, मजुमदार फार्म से आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा फार्म में चूजा आ चुका है। हम कंटिन्यू हर हफ्ते ऐसे चूजे डालते रहेंगे फार्म में। तो यहाँ पे देखिए, आप नीचे बुरादा डाल के जो भूसी है वो डाल के यहाँ पे पेपर डाला जा रहा है। पेपर डालने के बाद यहाँ पे डिंकर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे 500 बच्चा छोड़ा जाएगा, और पहले हमने 5-6 डिंकर ऐसे लगाए। खबर यहाँ पे देखिए, पेपर डाला गया है। पहले जो धान का भूसी है वो डाला गया है, उसके बाद पेपर इसके ऊपर डालना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो नहीं तो भूसी खा लेगा। फिर यहाँ पे बच्चा छोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये है COP30, COP430 है, ये COP8 है, ये जिसका जो पैर है वो थोड़ा पीला पीला आता है, और इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, हवर्ड का भी रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब चूजा छोड़ा जा रहा है। और छोड़ने के बाद ये पानी में हमने फिलहाल के लिए तो गुड़ का पानी दिया है, गुड़ या फिर आपने चीनी सलाइन बना के दे सकते हैं। सलाइन का पानी हमने पहले में दिया है। और यहाँ पे हमने रात को बल्ब लगाना है, 200 वाट का आता है, 100 वाट का आता है, ऐसा बल्ब हमें लगाना है हीट जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे फिलहाल हम अभी दाना नहीं देंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए तो ये थोड़ा देर पानी पिएगा, उसके बाद यहाँ पे दाना डाला जाएगा। 500 के बोर्डिंग है ये, और एक दिन बाद ही इसका जगह जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यानी जगह बड़ा करना पड़ेगा। और हम ऐसे ही हर रोज़ का जो अपडेट है और हर रोज़ क्या मेडिसिन यूज़ हो रहा है सब के बारे में बताते जाएंगे। दे चल जाए, इसके लिए फार्म है, तो हम ऐसे छोटा छोटा फार्म में फिलहाल बच्चा चूजा डाल रहे हैं, जिसमें 500 या 1000 तक ही हम फिलहाल के लिए डालेंगे। और ये हमारा ही जो लेबर लोग है उसके ने फार्म किया हुआ है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें से उसका भी पैसा आ जाएगा, और ये फार्म करने का उसका भी पैसा आ जाएगा। तो हम धीरे धीरे ऐसे हर हफ्ते डालते रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा चूजा डाल दिया गया है, और पानी में है सलाइन पानी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, धन्यवाद।